बोकारो के निजी अस्पतालों के संचालकों की मनमानी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला बोकारो से सामने आया है। ज्ञात हो कि बोकारो के निजी अस्पताल के संचालकों ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड से मरीजों का डायलिसिस करना बंद कर दिया है, जिसके कारण मरीजों में आक्रोश है। आक्रोशित मरीजों के परिजनों ने इस मामले को लेकर आज सिविल सर्जन से मिलकर विरोध जताया। परिजनों ने कहा कि सरकार ने 5 लाख तक के इलाज को कराने की अनुमति दी है, लेकिन कार्ड पर इलाज करने से निजी अस्पताल इनकार कर रहे हैं, जिससे मरीजों की हालत गंभीर होती जा रही है। दूसरी ओर सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल संचालक गलत कर रहे हैं, यदि उन्हें कोई परेशानी है तो उन्हें लिखित शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने अचानक बंद क्यों किया, जो गलत है। बच्ची का डायलिसिस गृति हॉस्पिटल में हो रही थी और कुछ उन लोगों का बकाया राशि के कारण डायलिसिस को बंद कर दिया गया है। तो हम लोग सर मिडिल क्लास के आदमी इतना अफोर्ड कहाँ से कर सकेंगे कि हम लोग कैश रकम दे करके डायलिसिस नहीं करा सकते हैं। हम लोग के पास इतना, हम लोग पूंजीपति लोग नहीं हैं, इसलिए इस समस्या का समाधान हम लोगों का किया जाए और हम लोगों का डायलिसिस स्टार्ट किया जाए फिर से वृत्ति हॉस्पिटल में। किसके तहत डायलिसिस होता था आपको? आयुष्मान के तहत सर। आयुष्मान के तहत अभी बंद हो गया जी। कहाँ कराते थे पहले? वृत्ति हॉस्पिटल में करा रहे थे सर। क्या बोला वो? वहाँ बोले कि हम लोगों का फंड, मतलब पैसा हम लोगों को नहीं मिला, इसलिए कि बकाया पैसा है, इसलिए हम लोग अब नहीं करा सकते हैं आप लोग का आयुष्मान के तहत। उसमें लिखा हुआ था कि वृत्ति हॉस्पिटल को ही अचानक डायलिसिस बंद कर देना, तो उनकी क्या समस्या है? और एक दिन में वो शायद बोल रहे हैं 70 लाख या 80 लाख रुपये उनका बकाया है, तो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा ये। इससे पूर्व हमारे जो सिविल सर्जन है या उपायुक्त महोदय को या यहाँ जिन जनप्रतिनिधि जो भी हैं, किन्हीं को तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए राइटिंग में, और अगर प्रॉब्लम है तो हमसे वो मिलें, देखते हैं कहाँ तक हम उसको सुधार कर सकते हैं। अचानक बंद करना ये गलत है, अचानक वो बंद नहीं करते। एक निजी अस्पताल की बात नहीं है सर, और निजी अस्पताल पेमेंट क्यों रुका हुआ है? इनकी से बात करेंगे या आखिर आपको परेशानी कहाँ से, क्यों? हो सकता है कुछ क्वेरी किया होगा, उनको ये लोग रेक्टिफाई करके भेजना था, वो ये लोग किए हैं।